और भाई क्या हालचाल। तो यार आप लोग भी अनएक्सपेक्टेड कीबोर्ड को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यार अनइंस्टॉल करने से पहले ये बात जान लो कि जो कैपिटल कीबोर्ड और अनएक्सपेक्टेड कीबोर्ड है, दोनों की सेम टू सेम ही टाइपिंग स्पीड है। आप दोनों को कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी चला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कैपिटल बेकार है या फिर अनएक्सपेक्टेड अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता जो स्पीड है, जो टाइप की जो स्पीड है, दोनों की सेम टू सेम है, आप कवर कर सकते हो। लेकिन ये है कि आपकी उंगलियाँ कितनी फास्ट चलती हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि यार देखो कीबोर्ड का भी डिपेंड नहीं करता कि आपकी टाइपिंग कितनी फास्ट है या फिर कीबोर्ड से स्पीड कितनी फास्ट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है यहाँ पे कि अपनी उंगलियों को कितना तेज भगा रहे हो। फुल स्पीड में जितनी स्पीड कैपिटल कीबोर्ड की है उतनी ही अनएक्सपेक्टेड कीबोर्ड की बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग प्रेस टाइम आउट इसको 50 ms कर देना है, ठीक है। जो कैपिटल कीबोर्ड में भी सेम टू सेम होता है, ठीक है उसको। अब जिन लोगों ने ये सेटिंग कर रखी है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और नहीं कर रखी तो वो कर ले, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है तो देखिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस इंटरवल इसको 5 ms पर कर देना है, ठीक है। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए इसको भी 5 ms पर कर देना है, इस पर जो भी है। और नीचे की जो स्टाइल है इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना और बिल्कुल सेम टू सेम रखना है। तो अब ये स्पीड है ना इसकी कैपिटल कीबोर्ड के बराबर हो चुकी है। अब ये अब आप कैपिटल कीबोर्ड को भी रख सकते हो या फिर अनएक्सपेक्टेड को रख सकते हो, लेकिन अब बात ये आती है कि आप टाइप कितना अच्छा कर रहे हो। यार सामने वाला के टाइप आपसे ज़्यादा है कि आपकी कम है? तो यार मैंने देखा था, मेरे एक भाई हैं और वो और मैं साथ में टाइप कर रहे थे, वो कैपिटल चला रहे थे और मैं अनएक्सपेक्टेड कीबोर्ड चला रहा था। तो दोनों ने चेक किया तो यार हम दोनों की टाइपिंग एकदम इक्वली है, थोड़ा वो मेरे से फास्ट कर लेते हैं। तो क्या हुआ था, हम दोनों ने एकदम से रेस किया था तो देखा तो यार हम दोनों की इक्वली चल रहा था। अब आपको दिखाता हूँ आपको अनइंस्टॉल कैसे करना है इसको। तो आपके ऐप मैनेजर में आना है, और ऐप मैनेजर में आने के बाद आपको अनएक्सपेक्टेड कीबोर्ड को सर्च कर लेना। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ही आप नीचे आओगे तो देखिए अनइंस्टॉल का जो बटन है नीचे दिख जाएगा, तो आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन यार अनइंस्टॉल करने से फ़ायदा, अगर आपको कैपिटल ही अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हो। और एक और जो इसका अनइंस्टॉल करने का तरीका है वो आपको कुछ नहीं है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा सिंपल है। क्योंकि यार कुछ लोगों को ऐप मैनेजर में जाने पर फिर वो सर्च करेंगे तो उन लोगों को ऐसा नहीं। अब आपको क्या करना, प्ले स्टोर पर जाना, प्ले स्टोर पर अनएक्सपेक्टेड कीबोर्ड को सर्च कर लेना। और जैसे सर्च करोगे तो देखिए अगर डाउनलोड होगा तो अनइंस्टॉल बता देगा, और नहीं होगा तो आपको इंस्टॉल दिखाएगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे को कॉल कर सकते हैं।